सबसे पहले आप सबके जज्बे को सलाम। हम लोग अंदर थे और ये हो रहा था कि कार्यक्रम लोग छोड़ करके रोड जाए और आप हमारी प्रतीक्षा में यहाँ बैठे रह गए। आपके विश्वास को और आपके धैर्य को हम सब लोग मिलकर सलाम करते हैं। आपने चार दिन इस कार्यक्रम को पूरे शिद्दत से चलाया, चार दिन हमें पुलिस का पूरा सपोर्ट था और उतना सपोर्ट था कि दिल्ली पुलिस से 150 गुना ज्यादा सपोर्ट था। इसके लिए पूरे उत्तर प्रदेश से ज्यादा दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे सिर्फ कहना चाहता हूं, चाहे गाजी जी कह दें और चाहे शाही जी कहें और चाहे सुकुमार शुक्ला कहें और चाहे आप सबसे सुने, रीना बहन ने आपको सारी बात बता दिया। मंत्री जी से हमारी बात 70-80% तक सार्थकता में थी। मैंने मंच से भी आपको बताया भाई जो हो सकता है डिटेल में वही होगा। धरना आपने चलाया, अभी मीटिंग चल रही है, वो लोग भी जान गए। ये जिस रोड पे आप बैठे हैं ये इस देश का सबसे महत्वपूर्ण और दिल्ली का सबसे मजबूत ऐसा रोड है कि अब इस रोड पे आप बैठ गए हैं तो समझ लीजिए कि पूरे 5-7 घंटा लगेगा दिल्ली को घुमाने में। गिरफ्तारी हुई, रिकॉर्ड में आपके 1,60,000 लोग गिरफ्तार हुए, 1,60,000 लोगों की गिरफ्तारी दी गई है। और मैं पूरी तरह से आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, मैंने आपको अध्यापक बनवाया था? अगर हम पर भरोसा है तो हम आपको अध्यापक फिर बनाएंगे। लेकिन आपने जो भी कहा, 52 दिन हमारे और आपके बीच का कार्यक्रम खूब चला। हम ये चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को थोड़ा विराम दिया जाए। नहीं, इस कार्यक्रम को थोड़ा विराम दीजिए, उनको अवसर प्रदान करिए। अभी वो मीटिंग करेंगे, सम्मान आपको 14 साल लड़ने के बाद मिला। समय तो बहुत दे दिया, नहीं कौन समय दे दिया, 52 दिन हो गए। नहीं 52 दिन हो गए तो 52 दिन आप एचआरडी मिनिस्टर के पास नहीं बैठे थे, मुख्यमंत्री ने आपके साथ धोखा किया, आप आकर के यहाँ अपनी बात कहे। आपके बात को लिया गया है, वो मीटिंग करेंगे, हमारे लोग जाएंगे तो हम लोग तो लगे रहेंगे ना, पूरे लोग नहीं। नहीं, मोदी जी बोले हैं तो मोदी जी को समय दीजिए आप काम करने का। और नहीं, मोदी जी ने बोला है तो अब आप बैठिए, आप बैठिए और सुनिए। एक सिस्टम है, सिस्टम में आप रहिए। अगर आपको नेतृत्व पर भरोसा है, जिसने आपको रात में 1 बजे नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया कि नहीं किया, तो जब 1 बजे हम नियुक्ति पत्र बंटवा सकते हैं, इसके के बाद 4 महीना का वेतन आपको तमाम लोग स्कूल नहीं गए दिला सकते हैं, तो हम भी कहते हैं ना। अगर मेरी बात आप नहीं सुन रहे हो, क्या धरने में सारे लोग आएंगे और सारे लोग काम करेंगे? नहीं करोगे तो किसके लिए नहीं करोगे? अपने लिए नहीं करोगे? तो हमारा विचार है कि अगर आपकी सहमति सबकी है, बेइज्जती करवाने जाएंगे, बेइज्जती कोई नहीं, और बेइज्जती तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, बेइज्जती तो आपका कोर्ट ने किया, सरकार ने आपको नहीं हटाया, आपको कोर्ट ने हटाया, तो भाजपा ने करा। अब ये आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, उस पर हमारा कोई कमिटमेंट नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अब नहीं सुनेंगे ना, उनकी आदत है हमें तो वो है कि जिद है बिजलियां गिराने की और हमको जिद है आसिया बनाने का, तो आसिया बनाने देंगे तो बनेगा और नहीं बनाने देंगे तो आप बैठे रहिए, नहीं बनेगा। हमारी बात आप मत मानिए, हमारी बात नहीं मानेंगे ना, नहीं नहीं मानेंगे आप, तो हमारी बात मानिए तो हम धरने को पोस्टपोन कर रहे हैं। आप साहब जी से बात करिए, देखिए बचिए मत, बचने से कुछ नहीं होता है साहिब जी, साफ बताइए कि मोमेंट नहीं हो। नहीं, 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 नही
शासन आदेश जारी करेंगे तो उसके सिचुएशन पर हम तय करेंगे कि स्कूल जाएंगे कि हम नहीं जाएंगे। ये हम सब तय करेंगे जब शासन आदेश हमारे। और शाही जी भाग्य ना यहाँ बात करिए, आप आनंद से बात करिए। हम धरना बहुत कॉल करते हैं आज सरकार जितना टाइट है उस हिसाब से ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हम किसी से कैसे निपटेंगे। आप लोग अपना समय न बर्बाद करें, आपका कोर्ट निकल तो लड़ाई दोनों होगा, आप परेशान न हो, संघर्ष हर हाल में जीता जाएगा। इतनी अच्छी नहीं है, थोड़ा सरकार को काम करने दो। सरकार समझ रही है कि दूसरे पार्टियों के इशारे पर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा उसे भी संयम में आने दो। उसके बाद में अगर ऐसा नहीं होगा 15 अक्टूबर के बाद फिर धरना प्रदर्शन लगाया जाएगा। उस समय हमें किसी तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं होगी, पूर्ण सत्याग्रह होगा। उसमें यह वादा है, गांधी में माला दिया है, हम बोल चुके हैं, गांधी में माला बोल चुके, मेरी सहमति उनकी सहमति है, सारी जगह जा सकते हैं।